हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लाइब्रेरी साइंस के विषय में बताने वाले हैं कि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स जो है लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में हमें पता नहीं चल पाता कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि आप कोई भी कोर्स करने से पहले आप उसको समझ जाइए कि वो उसके बारे में होता क्या है, वो उसका मेन मीनिंग क्या है। तो आज हम आपको यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है, और हम आपको ये बताएंगे कि इसकी आपकी पूरी डिटेल देंगे हम कि लाइब्रेरी साइंस की के में क्या क्या होता है, कैसे सिखाई जाती है चीजें। उसके बाद हम आपको इसमें कैसे एडमिशन मिलेगा, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, हम आपको वो बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे बिहार के कुछ टॉप कॉलेज के नाम जहाँ पे आप आसानी से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर सकते हैं। बिहार को हम लोगों ने इसलिए चुना क्योंकि हमारे कमेंट सेशन में बहुत सारे लोगों ने हमसे इस पे वीडियो बनाने के लिए डिमांड की थी, तो हम बिहार को लेकर के आए। अगर आप किसी और स्टेट के भी कॉलेज के नाम जानना चाहते हैं जहाँ आप लाइब्रेरी साइंस करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख करके दीजिए, और जितने ज्यादा स्टेट के नाम होंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बिहार को लिए हैं, और हम आपको ये बता दें कि आप जो है कई लोग जो है हमसे हम लोगों से ये बोलना बोलते हैं कि कमेंट में हमें बताते हैं कि वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, पर उनके पास कुछ है नहीं, कुछ हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ डिटेल नहीं है जहाँ पे वो हमसे बात कर सके। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पे संपर्क कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें, आप इस पे आकर के हमें फॉलो करें, और आप उस पर हमको फॉलो कर सकते हैं। और आपको हम ये बता दें कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पे यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम चल रहे हैं, यहाँ पे यूपीएससी FEFO का कोर्स चल रहा है, UGC नेट सोशल वर्क का कोर्स चल रहा है, ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलेगी। यहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी भी हो रही है, तो आप अगर चाहें तो इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके एजुकेशन के लिए। सो दोस्तों, आप बिना लेट किए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम बिना लेट किए अब शुरू करते हैं कि आज हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक है उसके विषय में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की पूरी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि लाइब्रेरी साइंस के कोर्स के अंतर्गत छात्रों को लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी, डॉक्यूमेंटेशन, मैन्युस्क्रिप्ट संरक्षण आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आवेदक को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सारे डेटा और रिकॉर्ड कंप्यूटर पे ही रखे जाते हैं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत आपको हम इतना आपको ये बताया जाता है कि किसी भी बुक्स को अरेंज करना है, उसका सिस्टम क्या है, उसको कैसे सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके मैनेज करके आपको बुक्स को लगाना है अलमारी में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको आसानी से। और आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो है कैटलॉग सिस्टम है, कैटलॉग सिस्टम को यहाँ पे कैटलॉगिंग सिस्टम के विषय में भी बताई जाती है, जैसे कि इसमें आपको इंडेक्स के हिसाब से, जैसे आप इंडेक्सिंग सिस्टम होता है जो आपको बुक्स को कहाँ पे क्या कि आसानी से बुक्स मिल जाए, आपको अवेलेबल हो जाए, ताकि आपसे कोई कभी भी मांगे तो आपको तुरंत आप अरेंज करके दे सके, यहाँ पे उसके विषय में जानकारी दी जाती है। बिब्लियोग्राफी के विषय में बताया जाता है कि आपको मतलब ग्रंथ सूची जो होती है वो कहाँ पे कैसे अवेलेबल की जाए, ये बताया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि कोई लेखा जोखा है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको कैसे अरेंज करके सिस्टमेटिक ढंग से हम रख सकते हैं, उसके विषय में बताया जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट संरक्षण, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हम बता दें आपको, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हाथ से लिखे हुए कोई भी दस्तावेज, जैसे कि आपको हम ये बता दें कि पहले के समय में जो भी हाथ से लिखे गए हैं दस्तावेज, उनको जो है सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से रखना, जैसे वेद हो गया, और आपको जो है सिस्टमेटिक ढंग से रखने का तरीका इसमें बताया जाता है। प्लस आपको जो नए नए रिसर्च होते हैं उसके विषय में भी, उसको कैसे ढंग से करके रखने हैं उसके विषय में बताया जाता है, तो उसको ढंग से
करके रखने का तरीका इसमें आपको लाइब्रेरी में बताया जाएगा। उसके बाद हम आपको ये बता दें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने वाले हर छात्रों के लिए कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है सारी चीजें कंप्यूटर पे ही चलती हैं, कंप्यूटर का जमाना है। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मजबूत होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए जिसमें कंप्यूटर सबसे बेस्ट है और कंप्यूटर पे ही सारे डेटा रिकॉर्ड जो है रखे जाते हैं। तो आपको अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर जरूर सीख लें। और दोस्तों चलिए आगे आपको ये बता दें कि लाइब्रेरी साइंस में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको किन किन पड़ाव से गुजरना होगा, यानी आपको क्या क्या लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको पहले ये बता दें, यहाँ पे तीन स्टेप है। पहला है लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको जो है डिप्लोमा मिल सकती है, इसके अंतर्गत आपको बैचलर के कोर्स कराए जाते हैं और मास्टर डिग्री के कोर्स कराए जाते हैं। डिप्लोमा के लिए, अगर आप डिप्लोमा करना चाहें तो इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी स्कूल से इंटर किया है यानी 12वीं पास कर चुके हैं आप, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर है वो ऐसा होता है कि इसमें मेरिट सूची बनाई जाती है, इंटरमीडिएट के बेस पे जो आपका नंबर होता है उसके हिसाब से मेरिट सूची तैयार की जाती है और फिर उसके हिसाब से आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए डिप्लोमा के कोर्स के लिए अवेलेबल किया जाता है। उसके बाद जो है बैचलर कोर्स के विषय में बता दें, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करने के बाद लाइब्रेरी साइंस में प्रवेश कर सकते हैं। ये कोर्स जो है 1 साल का होता है और अगर सरकार चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकती है, और लेकिन ग्रेजुएशन में आपका 50% या इससे अधिक ही होना चाहिए तभी आप जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको मास्टर डिग्री के विषय में बता दें, मास्टर डिग्री के लिए आपका बैचलर कोर्स करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये हो गया आपका एडमिशन का प्रोसीजर बता दिया हमने। अब हम आते हैं अपने बिहार को लेकर के, यानी बिहार के टॉप कॉलेज के विषय में हम आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पहला कॉलेज है, आप जो है पहले हम आपको कॉलेज के नाम बताने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप ये जो बिहार का टॉपिक हमने लिया है वो आपकी डिमांड पे लिया है, तो अगर आप चाहते हैं कि और भी स्टेट के नाम जो है जहाँ पे हम लाइब्रेरी साइंस के अवेलेबल है, जहाँ लाइब्रेरी साइंस कराया जाता है और आप इच्छुक हैं और भी स्टेट में करने के लिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको हम आप उस पर हम वीडियो बनाएं। जितने ज्यादा स्टेट के नाम होंगे हम उसी स्टेट को चुनेंगे और उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज जो है हम बिहार का शुरू करते हैं। बिहार का जो पहला कॉलेज हम बता दें वो आपको है डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, पटना यूनिवर्सिटी। ये पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे लाइब्रेरी साइंस करवाया जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन होता है और ये पटना में है। दूसरा जो है वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्टकट में आप DDE BRABU बोल सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर में होता है और ये बिहार के अंतर्गत आता है, मुजफ्फरपुर में ये कॉलेज है। तीसरा जो है बिंदेश्वर सिंह कॉलेज पटना, ये पटना में होता है। चौथा है किसान कॉलेज सोसरी नालंदा बिहार, ये आप नालंदा के विषय में बता दें, नालंदा में पहले जो है बुद्ध के ऊपर भी चलता था, यहाँ पर बुद्ध के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे उस पर भी डिग्री दी जाती थी, लेकिन जो है अब यहाँ पर आपको जो है किसान कॉलेज जो है अवेलेबल हो गया है और यहाँ पे जो है जो सोसरी में पढ़ता है यहाँ पे भी लाइब्रेरी साइंस के विषय में बताया गया है। अब पांचवा जो है वो है कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस पटना बिहार। ये जो है आपका यहाँ पे जो है मैनेजमेंट एंड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो है मैनेजमेंट के कोर्स चलाए जाते हैं और ये भी पटना बिहार में है। यहाँ पे आप MBA भी कर सकते हैं और ये लाइब्रेरी साइंस के लिए भी अच्छा कॉलेज है, ये बिहार में है। छठवां है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट 2HI पटना बिहार, ये जो है बिहार में पड़ता है। सातवां है कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना बिहार, ये भी बिहार में आता है। उसके बाद आप आठवां है KK यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्टकट में KKU बोलते हैं, ये भी आपका नालंदा में है जो कि बिहार में है। नवां है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा पटना बिहार, ये जो है आपका ये भी बिहार में आता है, छपरा जो है छपरा जिले में पड़ेगा ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है लाइब्रेरी साइंस के लिए। दसवां है मौलाना मजरूल हक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना,
यहाँ पे आपको ये जो है मुगलों का मतलब ये मुस्लिमों का कॉलेज है, और यहाँ पे आपको अरेबिक और पर्सियन लैंग्वेज के विषय में भी बताया जाता है, और ये पटना में है, और यहाँ पे भी लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कराया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। 11वां जो है वो है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, ये भागलपुर में है। 12वां जो है वो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, NAOU बोल सकते हैं इसको शॉर्टकट में, ये भी पटना बिहार में है। 13वां जो है वो है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस पटना बिहार, ये जो है बिहार में पड़ता है, और यहाँ पे आपको कॉमर्स के भी कोर्स कराते हैं, आर्ट और साइंस साइड के भी कोर्स कराए जाते हैं, और यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्स कराया जाता है। 14वां है BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, इसको शॉर्टकट में BA BU बोलते हैं, ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है जो कि बिहार में है। 15वां है मगध यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, MUDDE शॉर्टकट में बोलते हैं इसको, और ये गया में है। उसके बाद 16वां जो है वो है पटना यूनिवर्सिटी पटना, जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, और ये भी बिहार में है। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है, यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का कोर्स अच्छे से अवेलेबल कराया जाता है। 17वां जो है वो है डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, शॉर्टकट में इसको DDELMNU बोल सकते हैं, और ये भी पटना में है। यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन के फॉर्म में लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कराया जाता है, ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और यहाँ पे जो है आपको लाइब्रेरी साइंस की कोर्स जो है बहुत ही इजी लेवल में समझाया जाएगा। तो दोस्तों आप जो है आज हमने आपको बिहार के विषय में बताया कि कौन कौन से कॉलेज के नाम है। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, UPSC गाइडेंस प्रोग्राम के UPSC PFO कोर्स चल रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी चल रही है, UGC नेट सोशल वर्क चल रहा है, और तो और आपको ब्यूटी टिप्स भी मिलेंगे यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप हमारे अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे किसी भी मैटर में। और अगर आप और भी कुछ चाहते हैं कि हम किसी और भी टॉपिक पे बनाएं तो आप हमारे यहाँ पे नंबर जो दिए हुए हैं हमारे इस पे जो है आप जो है आकर के कमेंट कीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए कि मैम हम कि सर हमें जो मैम सर हमें आप इस पे जो है वीडियो बनाइए, हमको जो है जानकारी चाहिए। सो दोस्तों आपको हम बहुत आपकी सारी क्वेरीज को यहाँ पे पूरा किया जाएगा। ये जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे आप हमसे सब कुछ पूछ सकते हैं, और आप और तो और यहाँ पे आपको कुछ चाहिए सामान वामान जैसे है ऑर्डर करने हैं तो आप वहाँ यहाँ पे हमें जो है आप कर सकते हैं, इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। 9 डेज के अंदर आपको जो है वो कैश ऑन डिलीवरी आपके घर तक आ जाएगी। सो दोस्तों आप जो है बहुत सारे फॉर्म आपको इसमें मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है, ये 1111-833-29 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पर अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन से चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए ये देखिए सनग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है, प्लाजो और एक कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं, ज्वेलरी सेट ले सकते हैं, आप बेडशीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पर आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँच जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।